हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस की फर्स्ट सेमेस्टर की जो फर्स्ट क्लास है मेरी, उसमें आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपका पेपर सेकंड है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले इसका सिलेबस। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 5 यूनिट हैं आपके कोर्स में, और ये जो आपका कोर्स है ये 4 क्रेडिट्स का है, जिसमें 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम। तो जो 5 यूनिट हैं आपके, उनमें से जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हम छोटे मोटे इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे कि एरोमेटिसिटी, जिसको आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, जिसके अंदर कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन ये सब पढ़ेंगे, फुलेरीन्स, फेरोसीन्स, हेलीसीन्स, एन्यूलीन्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, हकल्स रूल जो एरोमेटिसिटी से ही रिलेटेड है उसको पढ़ेंगे, एंटी एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिसिटी एंड PMO अप्रोच। इसी तरह से जो सेकेंड यूनिट है वो डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं उन सभी रिएक्शंस को मुख्य रूप से कितने प्रकार के मैकेनिज्म्स द्वारा समझाया जा सकता है, या कितने प्रकार की कैटेगरीज हैं, कितने प्रकार के मैकेनिज्म्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। और रिएक्शन के ऊपर काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल को भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर, कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल को भी डिस्कस करेंगे, आइसोटोपिक इफ़ेक्ट्स, ट्रांजिशन स्टेट्स, इंटरमीडिएट्स, ये सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब आती है बात रिएक्शंस की। तो जो यूनिट 3rd, 4th और 5th हैं वो सभी रिएक्शंस के बारे में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस हैं उसको मेनली 4 भागों में बांटा गया है। तो मोटे मोटे तौर पर इनकी 4 कैटेगरीज हैं, जैसे कि एक है एडिशन रिएक्शंस, एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एक है एलिमिनेशन रिएक्शंस और एक है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। फिर इनके सब डिविजन्स होते हैं कि एडिशन रिएक्शन जो है वो किन यौगिकों में होगी, जहाँ पर अनसेचुरेशन होगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे फंक्शनल ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शंस या योगात्मक अभिक्रियाएं होगी। इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ होंगी, और फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अगर सब डिवीजन किया जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और ठीक वैसे ही एडिशन रिएक्शंस भी सब डिवाइडेड हैं। उसके बाद रीअरेंजमेंट एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो जो 3rd यूनिट है वो बेसिकली एलिफैटिक यौगिकों के बारे में है। तो जितने भी एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं और उनके अंदर अनसेचुरेशन नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, उनमें ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। आपने सुना होगा SN1, SN2, SNI, इन सब मैकेनिज़म्स के बारे में आपने सुना होगा। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो इस यूनिट में एलिफैटिक रिएक्शन मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। चूँकि एलिफैटिक कंपाउंड्स के अंदर मुख्य रूप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो डिटेल में जो हम पढ़ेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, और इसके अलावा कुछ सेलेक्टिव एलिफैटिक कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो उसको भी हम इसके सेकेंड पार्ट में, जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और सेकेंड पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1, SN2 था, यहाँ SE1 और SE2 है। S means substitution, E means electrophilic, N means nucleophilic।
वन यानी यूनिमॉलिक्यूलर, टू यानी बाईमॉलिक्यूलर और आई यानी इंटरनल। तो एस एन आई जो था वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल मैकेनिज्म था। चौथी यूनिट में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो उनमें बेंजीन है, टॉलवीन है, और सेकेंड ईयर में आपने नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी या हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी यदि देखा जाए तो इन सब में मुख्य रूप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। आपने देखा पिछले यूनिट में हमने वन नंबर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लिखा था, क्यों कि एलिफेटिक कंपाउंड में मुख्य रूप से एलिफेटिक कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुख्य रूप से होता है और एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुख्य रूप से होता है। यहाँ जो सेकेंडरी मैकेनिज्म है जो थोड़ा कम यौगिकों में पाया जाता है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक वन नंबर पे, न्यूक्लियोफिलिक टू नंबर पे। जो थर्ड पार्ट है उसमें हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस यहाँ मैकेनिज्म थर्ड पार्ट के अंदर आ जाएगा। अब आता है आपका पांचवा यूनिट। पांचवे यूनिट में जैसा कि मैंने आपको बताया था एडिशन रिएक्शंस होती हैं, दूसरे प्रकार की रिएक्शन। पहले आपने थर्ड और फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, और फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा एडिशन रिएक्शंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एडिशन रिएक्शंस वही होती हैं जहाँ पर अनसेचुरेशन होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी लिखा है मैंने, यानी कि पहला पार्ट जो है वो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स पर डिस्कशन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होगा, उन अभिक्रियाओं की बात हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्बन हीट्रो मल्टीपल बॉन्ड्स को। तो ये देखिए कार्बन और हीट्रो एटम, चाहे वो ऑक्सीजन है चाहे वो नाइट्रोजन है, उनका डिस्कशन इस पार्ट के अंदर करेंगे। इसी यूनिट का एक छोटा सा पार्ट और है, वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शंस जिसमें हम E2, E1, E1CB, E2CB मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम एमएससी प्रीवियस के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। That's all. जो आपके सिलेबस में रिकमेंडेड बुक्स हैं वो ये हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, लाइब्रेरी में इसमें से काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं। ये है रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट। इसके अलावा आपका कोर्स कवर करेगी प्रगति प्रकाशन की बुक है एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जगदम्बा सिंह एंड यादव। तो सिंह एंड यादव वाली बुक में भी आपको आपका काफ़ी कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।